नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल तरीके से लहसुन या जो गार्लिक होता है उसको कैसे छीलें, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और भी इसके तरीके हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक लहसुन लें और उसको अपन ऐसे करके तोड़ लें। ये टूट गया पूरा। और तो टूटने के बाद में इसकी जो पोथी है, कुछ नहीं करना है, सिंपली एक कंटेनर लेंगे, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, प्लास्टिक का या स्टील का, या उसमें मैंने ग्लास का लिया है। इसमें अपन ये सारी की सारी इसमें डाल देते हैं, इसके जो गार्लिक को जो तोड़ा है वो डाल देते हैं इसके अंदर। बस उसको अलग अलग करके डाल दें, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में अपन डाल दिया है, ये हटा दिया है, इसको बंद करें कंटेनर को। कंटेनर को बंद करने के बाद में इसको अपन सेक करते हैं। तो ऐसे करके सेक करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2-3 मिनट आपको सेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 1 से 2 मिनट के आसपास करते रहें, तो यदि ट्रांसपेरेंट आप ये लेंगे कंटेनर, तो आपको आइडिया लगता रहेगा क्या चल रहा है अंदर, कि छिलके कि नहीं छिलके। अब देखिए आप काफ़ी छिलके हैं। 2 से 3 मिनट करने के बाद में आप उस कंटेनर को निकाल लीजिए। अब आप इससे थोड़ी हवा मारने से, फूंक मारने से लगभग क्लियर हो जाएगी सिचुएशन, और जो बच्चे हैं उनका भी ये सब उतर चुका है। आप देखेंगे तो हाथ लगाने से ही उतर जाएगा, क्योंकि ये अलग हो चुका है। ये देखिए, ये मतलब बड़े लेवल पे भी आप कर सकते हैं। जब आपके पास काफ़ी सारा है तो बड़ा कंटेनर लेके उसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, कुछ कुछ उसको छोड़ के सभी का। ये देखिए हाथ से ही, मतलब मैं कोई चक इसके लिए नाइफ या कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए सबका ये, और ये तो मतलब देसी लहसुन है। यदि वो जो मोटे वाला आता है वो तो बहुत बहुत जल्दी छिलता है इसमें। ये देखिए, तो ये अपना लहसुन लगभग तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये अपना जो एक कुछ बच जाते हैं उनका भी ये ऑलमोस्ट उतर गया होता है, आपको थोड़ा हाथ लगाते ही उतर जाएगा। तो एक डिफ़िकल्ट काम आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए अभी यूज करने वाला हो गया अलग अलग, थोड़ा सा मैंने सेक कम किया है। यदि सेक आप ज़्यादा करेंगे, शेकिंग ज़्यादा करेंगे, हिलाएंगे इसको ज़्यादा, तो ये अपना लहसुन अब उसके लिए तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है, और ये मैंने इस विधि से कर लिया है। इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, आप ये इनको निकाल के रख भी सकते हैं, उसके बाद में एक साथ निकाल लीजिए, उसके बाद में आप यूज़ करते रहिए इनको। इनका पाउडर का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।